और उसके बाद वो परफॉर्म करेंगे तो वो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी और उस ऑर्गेनाइजेशनल की परफॉर्मेंस भी डिक्रीज होगी जैसे डिफरेंट मल्टानेशनल कंपनीज जो हैं वो पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग के लिए साइकोलॉजिस्ट को हायर करती हैं वो साइकोलॉजिस्ट जो है वो अप्रोपियर टेक्निक्स यूज़ नहीं करते फॉर द असेसमेंट ऑफ दोज इंडिविजुअल्स और वो प्रॉपर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग नहीं कर पाते जब उनकी प्रोफाइलिंग प्रॉपर नहीं होती उनके रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं होते और वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर बेस करके अपनी हायरिंग कर लेती है तो वो एक ऐसे कैंडिडेट को हायर कर लेती है जो कैपेबल नहीं होता और जब वो कैपेबल नहीं होता तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस जो है वो डिक्रीज होती जाती है उसको फाइनेंशियल लॉस होता जाता है और उसको ओवरऑल एक बहुत ज़्यादा डैमेज जो है वो पहुंचता है सो यू नो एक वेल कंस्ट्रक्टेड कंस्ट्रक्टेडमेंट जो है इट्स नॉट ओनली एन एथिकल इट हैज़ अ स्ट्रॉग फाइनेंशियल एंड एकमिकल इम्पैक्ट एज वेल एज वेल एज इट कैरीज अ लॉट ऑफ टू द साइकोलॉजिस्ट एंड लोअर्ड कॉन्फिडेंस इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट अब हाई प्रोफाइल केसेस जब होते हैं चीटिंग के होते हैं पायलटिंग के होते हैं कॉपीराइट कंटेंट के होते हैं तो इसके बाद एक मिसट्रस्ट डेवलप हो जाता है एंड पीपल थिंक के प्रॉबेबली जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है उसके ऊपर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रखा जा सकता जितना प्रॉबेबली किसी और टेक्निक या किसी और असेसमेंट के मैथड पर रखा जा सकता है बिकॉज जब तक ये फेयरनेस नहीं होगी टेस्टिंग की एप्लीकेशन जो हैं वो एक uh, प्रोसेस से नहीं गुजरेंगी और उसके अंदर सिक्योरिटी और सेफ्टी के एलिमेंट्स नहीं होंगे उस वक्त टेस्ट इंडस्ट्री जो है उसका स्टेक इन जनरल जो है वो काफी हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा इंश्योरिंग द प्रैक्टिकल चैलेंजेस इन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी ऑफ फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस टेस्ट रिस्पॉन्स Test and uh, टेस्ट एंड एंडिटी जितना वो ओपन होगा इट वुबल पीपल तो ज़ाहरी बात है कि उस टेस्ट की वेलिडिटी उसकी रिलायबिलिटी और उसका जो ओवरऑल स्कोर है वो लोगों के लिए इतना ईजी हो जाएगा मेनिपुलेट करना कि उस टेस्ट की कोई ऑथेंटिसिटी जो है वो बरकरार नहीं रह सकेगी सो so, अब हम बात करते हैं कुछ उन फैक्टर्स की जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं फर्स्ट वन इज फिजिकल एंड डाटा इसके अंदर वही बात आ जाती है कि वेब से लीक हो सकते हैं फोटो कॉपी के थ्रू लीक हो सकते हैं और किसी भी तरह वो टेस्ट जो है वो रिलीज हो सकता है टू मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स अप्रोप्रियट क्वालिफिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स अगर अप्रोप्रियट टेस्ट लेवल्स जो हैं लोगों के इतने नहीं हैं एकेडमिकली हाई कि वो उस टेस्ट को अप्लाई कर सकें तो भी वो टेस्ट जो है वो आपको जो रिजल्ट्स देगा वो भी मिसयूज हो सकते हैं एंड देन कल्चरल वैल्यू विद इन विच द टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस कल्चर में हम उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहे हैं क्या वो हमारे आइटम कल्चरली लोडेड तो नहीं है उस कल्चर के साथ वो अलाइन है और उसके जो टेस्ट रिजल्ट हैं वो अप्रोप्रिएट हैं उस कल्चर के अंदर प्रोनाउंस करने के लिए उस कल्चर में रिलीज करने के लिए तो दीज आर दिंग्स विच आर वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू बी टेकन केयर दैन डिफरेंस इन डिलीवरी इंस्ट्रक्शंस फॉर एग्जाम्पल पेपर एंड पेंसिल इंटरक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स एंड कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट को बनाना शायद इतना डिफिकल्ट नहीं है लेकिन उस टेस्ट के साथ जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उनका क्लियर एंड लाउड होना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइक फॉर वट पर्पज वी आर गोइंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइक अगर आपने एक टेस्ट बना लिया विच इज़ द टेस्ट रिलेटेड टू आइटम्स ऑफ रिजिलियंस अब उस रिजिलियंस में आप आइटम्स जो हैं उसकी इंस्ट्रक्शंस में पूछते हैं कि आप करंटली कैसा फील रहे हैं और आप उसमें दूसरी तरफ इंस्ट्रक्शन में ये पूछ रहे हैं कि आप हमेशा से कैसा महसूस करें तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ स्टेट वर्सिस स्टेट एग्जाइटी क्या आप उस वक्त की पूछ रहे हैं उस वक्त की रिजिलियंस देख रहे हैं उस वक्त की एग्जाइटी देख रहे हैं या आप उसकी हमेशा की Uh, जो स्टेट रहती है आप uh, वो पूछ रहे हैं या उसकी ट्रेड को पूछ रहे हैं तो ये जो चीज़ें हैं ये माइन्यू डिफरेंस क्रिएट कर देती हैं तो इसलिए इंस्ट्रक्शंस के हवाले से हमें बहुत क्लियर होना ज़रूरी है कि हम वो इंस्ट्रक्शंस दें जिससे उसकी सिचुएशन जो है वो क्लियर हो कि ये आइटम्स आपने किस रेफरेंस में पूछे हैं दैन डिफरेंस इन स्टेट फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन एडमिशन वर्सेज सेल्फ डिवेलपमेंट अब कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो अगर सेल्फ डिवेलपमेंट के लिए किए जा रहे हैं तो उसका स्कोर एक डिफरेंट मीनिंग रखता है

उसके आइटम्स जो तो हैं उनके पैरल जो है वो तो दूसरी टेस्ट फॉर्म डेवलप कर लिया जाता है आइटम्स इन जनरल सेम होते हैं लेकिन उनकी प्लेसिंग को फ़र्क कर दिया जाता है जिसकी वजह से देखने वाले को लगता है कि ये एक डिफरेंट टेस्ट है फिजिकली इलेक्ट्रॉनिकली सिक्योरिंग लोकेशन ऑफ टेस्ट मटेरियल एंड रिजल्ट्स लॉक इन की है प्रॉपर कंप्यूटर डेटाबेस है जिस तरह से भी उसको सिक्योर रखा जाता है उसको इंश्योर किया जाए मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग टेस्ट रिस्पॉन्स डेटा फॉर एबनॉर्मल ये भी देखा जाए कि कोई कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है उसको कोई हैकर जो है उसके अंदर ऑटोमेटिकली तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता जा रहा इसीलिए वो डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जो पहले आपको कन्फर्म करते हैं कि आप कोई रोबोट तो नहीं है आप एक ह्यूमन बींग हैं और आप ख़ुद तो ये टेस्ट देना चाह रहे हैं रादर देन कि आप कोई हैकर जो है उसमें कोई वायरस जो है वो इन्वेस्ट कर दे और वो ऑटोमेटिकली टेस्ट को फिल करना शुरू कर दे दैन रेगुलरली सर्चिंग द इंटरनेट फॉर टेस्ट कंटेंट एंड टेस्ट प्रेपरेशन मेटीरियल तो बेसिकली ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर हर वक्त आप उसको सर्च करते रहेंगे ढूंढते रहेंगे तो मे भी उससे रिलेटेड काफ़ी सारा कंटेंट जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं किस किसी न किसी सोर्स से जो है वो मिल जाएगा और उसको भी सिक्योर करना बहुत ज़रूरी है कि वो कंटेंट एक ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि टेस्ट टेकर को उसके बारे में बहुत उसके कोर आइटम्स के बारे में इंफॉर्मेशन ना मिल सके